अखिलेश यादव की अब एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर नजर। ममता बनर्जी के घर में बनेगी खास रणनीति। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पश्चिम बंगाल में तय की गई है। इस दौरान अखिलेश यादव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पश्चिम बंगाल में तय की गई है। 17 से 19 मार्च तक कोलकाता में यह बैठक होनी है। इसमें 20 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी बुलाए गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण मय नंदा ने बताया है कि अगले साल होने वाले लोकसभा और कुछ जगहों पर विधानसभा चुनाव के लिए यहां पर रणनीति बनेगी। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 17 मार्च को कोलकाता आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 18 मार्च से हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी। पार्टी सूत्रों की माने तो इसमें लोकसभा गठबंधन के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लिए चर्चा होगी। इस दौरान अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले सपा ने लखनऊ में 29 सितंबर 2022 को हुए पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव को तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना था। उन्होंने साल 29 जनवरी को 67 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की। अब इसकी पहली बैठक कोलकाता में होने जा रही है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। 17 से 19 मार्च के बीच होने वाली इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। चुनावी रणनीति के तहत फोकस ग्रुप तैयार किए जाएंगे, फिर पार्टी उस ग्रुप के लिए विशेष अभियान चलाएगी।